नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए जो हाल ही की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 41,000 नए बेरोजगार रजिस्टर्ड हुए हैं। अगस्त से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने विधानसभा में किया ऐलान। दोस्तों, कौशल नियोजन व उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत नवीन स्वीकृत पात्र बेरोजगारों के साथ प्रदेश में करीब 82,000 बेरोजगारों को अगस्त महीने से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 22 जुलाई तक 41,738 नए आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना के तहत स्वीकृत पात्र 40,118 आशार्थियों को दिसंबर 2018 से जुलाई 2019 के मध्य 83.32 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है। अशोक चांदना ने शुक्रवार को विधानसभा में स्पष्ट कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो अगस्त महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर जान लीजिए क्या है युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 1 फरवरी 2019 से महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पास पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को, जो लड़कियां हैं उनको 3500 रुपये प्रति माह और पुरुष कैंडिडेट को 3000 रुपये प्रति महीने की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। रोजगार विभाग में आशार्थी को पंजीकरण की तिथि से मुख्यमंत्री इस योजना में आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशंस रखी गई हैं। स्नातक पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, उसके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इतना ही नहीं, अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग हेतु 30 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आप देख सकते हैं 35 वर्ष। ऐसा आवेदन वांछित समस्त प्रमाण पत्र घोषणा पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और इस बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठा सकता है। जो ये बेरोजगारी भत्ता आप मार्च में मिलना था उसके बारे में आप देख सकते हैं, हाल ही की लेटेस्ट अपडेट में स्पष्ट बताया गया कि ये जो अगस्त में मिलेगा बेरोजगारी भत्ता विधानसभा में ऐलान कर दिया गया। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट समय से पूर्व मिलती रहें। धन्यवाद।